हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई ब्राजीलियन फैंटेसी वेब सीरीज जिसका नाम है इनविजिबल सिटी सीजन वन। इसमें आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 35 मिनट से लेके 40 मिनट्स के बीच में ही है। खैर, उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल कम्युनिटी पोस्ट में जब मैंने एक इमेज डाल के पूछा आप लोगों से कि भाई ये किस वेब सीरीज का, तो बहुत सारे लोगों ने सही कहा और कुछ लोगों ने ऐसे जवाब दिए जो मैं एक्चुअली उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, और उनकी गलती नहीं। अगर उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही आंसर देता जो उन लोग ने दिया, तो मुझे देखकर अच्छा लगा। लेकिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया तो उनके नाम ये है, तो यार थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से अरहान एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करते रहना, क्योंकि यहाँ पर रियल जेन्युइन रिव्यू मिलता है। क्योंकि दूसरे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो फेक रिव्यू दे रहे हैं, जिन पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। खैर, अब बात करेंगे शो की, जो कि आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। ये मैंने पोर्तुगीज लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल देखा, तो यार मुझे कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आप लोग वो पर्टिकुलर शोज देखना पसंद करते हैं जो सिर्फ हिंदी में, तो शायद लैंग्वेज की वजह से ये शो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट की वजह से ये शो डेफिनेटली आपके लिए, अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो। खैर, अब बात करेंगे शो के प्लॉट की, जो कि शुरू होता है एक एनवायरमेंटल पुलिस ऑफिसर एरिक से, जिसकी वाइफ के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद एरिक डिसाइड करते हैं किसी भी हाल में अब वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि उसकी वाइफ के साथ उस रात हुआ क्या था। तो अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर शो। फिर बात करें शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि ब्राजीलियन माइथोलॉजी प्लस क्राइम इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया, और इस शो के एपिसोड ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे आधे घंटे के, तो उस हिसाब से आप कहीं से भी बोर होते नहीं हो, और हर एक एपिसोड में ऐसी कोई ना कोई चीज़ें डालिए जिससे आप लोग इन्वेस्ट रहते हो पूरी तरह से शो में। उसके बाद शो को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, या कह सकते जिस तरह से शो की प्रोग्रेस होती है ना, वो इतनी इंटरेस्टिंग है। इतनी सारी चीज़ें होती है जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, हम कुछ अलग कुछ डिफरेंट देख रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमने आज से पहले किसी भी पर्टिकुलर वेब सीरीज़ में देखी नहीं। हालांकि मैंने तो इतने शो देखा, फिर भी मैंने ये सारी चीज़ें किसी भी शो में नहीं देखी थी, तो मेरे लिए कुछ नया बनता, इस वजह से मैं आपको बोल रहा। बाकी आप लोग अगर मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी पंडित हो, और शायद आपने इस कॉन्सेप्ट पर पहले भी बहुत सारे शोज देखे, तो यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि उसके शो में कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कुछ ही कैरेक्टर है जिनको शो में अच्छी तरह से डेवलप किया, यानी कि जैसे शो प्रोग्रेस करता वैसे हमको उस कैरेक्टर के बारे में पता चलता, जो कि इंटरेस्टिंग था। उसके बाद शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, जिस लोकेशन पर इस पूरे शो को शूट किया और जो जंगल था और जो मतलब चीज़ें बताई है ना, सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी। और कुछ कुछ जगह भी यहाँ पर आपको VFX भी देखने को मिलते हैं, और कुछ मैजिकल चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जो कि अगेन ब्राज़ीलियन माइथोलॉजी से इंस्पायर है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि उसके बाद शो का BGM ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कह सकते, मगर इस तरीके के शोज़ में जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह का है, लेकिन कुछ और हटके और अलग हो सकता था इसके BGM, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। उसके बाद शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें, तो यार हर एक एक्टर ने यहाँ पर डिसेंट काम किया, यानी किसी ने भी आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया, बट एक एक्टर है जिसने किसका जो चलने का स्टाइल था, फेशियल एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगे, एडिटिंग मुझे अच्छी लगी, यानी कि बेमतलब के एपिसोड्स को बड़े नहीं किया, डायरेक्शन भी शो का बहुत अच्छा है, और ये एक स्टार्टर है मैं बोलूँ, क्योंकि जब सीजन 2 आएगा तो डेफिनेटली हमें और भी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी, जो और भी मज़ा आएगा देखकर। अगर शो की नेगेटिविटी की बात करेंगे, तो शो बीच में मुझे थोड़ा सा स्लो महसूस हुआ, मतलब हल्का सा स्लो महसूस हुआ, और जो इसकी एंडिंग थी वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन एकदम परफेक्ट एंडिंग नहीं लगी। तो इस हिसाब से मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7 out of 10, और पैरेंटल गाइडेंस के लिए तो इतना ही बोलूँगा कि ये शो में आपको कुछ किसिंग सीन देखने को मिल जाएगा, और एक दो जगह पे आपको हाफ नेक बॉडी देखने को मिल जाएगी, तो इस वजह से आप ये फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना है, आई होप आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा, और शो के अगर एंडिंग के बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन हुई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में ही जवाब दे दूँगा, क्योंकि मैं अलग से इस पर एक वीडियो फिलहाल बनाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑफिस में जाता हूँ यार, काम करता हूँ, पूरा दिन पड़ जाती है। फिर बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।